Let's talk about 5 common misconceptions about skin lasers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr Awais from MySkin Aesthetics and Laser Center Lahore. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 common misconceptions about lasers. लेज़र्स के बारे में लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात हैं कि लेज़र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो वो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेज़र जो हैं वो स्किन कैंसर तो कॉज नहीं करते और सिमिलर अदर क्वेश्चंस. तो आज की जो इस वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअली ऑल कॉमन क्वेश्चंस अबाउट लेज़र्स. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेज़र होता क्या है. बेसिकली जो स्किन लेज़र्स हैं वो बेसिकली लाइट होती है. लेज़र जो है वो एक लाइट है. जिस तरह हम नॉर्मल लाइट है, सूरज की जो रोशनी होती है या फिर जो ट्यूब लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, इनमें कलर्स होते हैं. ये 7 कलर्स से मिलकर लाइट बनती है. अब लेज़र्स में क्या किया जाता है, और हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है. लेज़र में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किन कंडीशंस. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेयर रिमूवल लेज़र की, तो इसमें अगर लॉन्ग पल्स हैंडी एग की बात करें तो इसमें 1064 जो वेवलेंथ है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, जो कि ट्रीट करती है हेयर को. हेयर रिमूवल लेज़र के लिए यूज़ की जाती है वेवलेंथ. इसी तरह से डिफरेंट जो स्किन कंडीशंस हैं उनके लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज़ की जाती हैं. तो लेज़र बेसिकली एक लाइट है. ओके, तो जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लेज़र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो इसका जो स्ट्रेट अवे जवाब है वो है कि लेज़र्स यूजुअली डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स अनटिल यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम सम प्रोफेशनल प्लेस. अगर आप किसी प्रोफेशनल प्लेस से करवा रहे हैं तो इसका लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आप किसी अनप्रोफेशनल जगह से करवाएंगे तो फिर यस, इट कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स. इसमें जो मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्किन बर्न के हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप किसी प्रोफेशनल जगह से करवाएं, देन इट विल नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स. जो सेकेंड नंबर के ऊपर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डज लेज़र्स कॉज स्किन कैंसर, कि क्या लेज़र्स स्किन कैंसर कॉज करते हैं. तो इसका स्ट्रेट अवे जवाब है कि नहीं, कोई भी लेज़र स्किन कैंसर कॉज नहीं करता. ओके जी, थर्ड नंबर के ऊपर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है कि लेज़र सेशंस के बाद हमारे बाल ज़्यादा हो रहे हैं. यस, इट कैन बी पॉसिबल. जो ये एक फिनोमेना है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस. ये तब होता है कि जब हेयर रिमूवल लेज़र के सेशंस तो आप ले रहे हैं लेकिन जो लेज़र लाइट है उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हेयर रूट्स को डैमेज कर सके. तो कोई भी जो हेयर रिमूवल लेज़र है उसका एक एंड पॉइंट होता है, तो हमने उस एंड पॉइंट को अचीव करना होता है टू रिमूव द हेयर. एंड पॉइंट की जो आसान एग्जांपल है वो मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे हम कोई मीट को कुक करते हैं तो उसमें प्रेशर कुकर फ़र्ज़ करें हम यूज़ करेंगे, तो प्रेशर कुकर के लिए हम 5 मिनट उसको कुक करने के लिए लगेंगे. तो अगर आप 5 मिनट से पहले उसे प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे तो वो गोश्त या तो कच्चा रह जाएगा, या अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट करेंगे तो वो गोश्त ओवर कुक्ड हो जाएगा. तो किसी भी चीज़ के लिए एक एंड पॉइंट, तो जो 5 मिनट हैं वो मीट के लिए एंड पॉइंट है. इसी तरह से जो लेज़र्स हैं, हेयर रिमूवल लेज़र्स, इसका भी एक एंड पॉइंट होता है. जब तक हम वो एंड पॉइंट अचीव नहीं करेंगे, लेज़र के बाद हेयर जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. तो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जिस चीज़ का जिक्र किया था कि हमें किसी प्रोफेशनल जगह से करवाना चाहिए, कि जहाँ पर हम मेक श्योर करें कि जो हमारे हेयर हैं वो रिमूव हो रहे हैं, उस एंड पॉइंट को अचीव किया जा रहा है. अगर हम वो एंड पॉइंट अचीव नहीं कर रहे तो चाहे आप सारी ज़िंदगी हेयर रिमूवल करवाते रहेंगे, हेयर कहीं भी नहीं जाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. और दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा हो जाते हैं हेयर, वो उसकी एक रीज़न ये होती है कि जो लो लाइट है, लो लाइट
लो लेज़र लाइट्स जो हैं वो हेयर को स्टिमुलेट करती हैं। तो अगर एनर्जी लो होगी तो हेयर स्टिमुलेट होंगे और ज़्यादा हेयर आ जाएंगे, पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्किन बर्न हो जाएगी। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेयर रिमूवल में ख़ास तौर पे, वो एक स्पेसिफिक जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखना होता है, उसको अचीव करना होता है, फिर जो है हेयर वो रिमूव होते हैं। जो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या लेज़र के बाद मेरी स्किन डैमेज तो नहीं हो जाएगी, तो इसका भी जवाब है कि नहीं, जो लेज़र के बाद स्किन डैमेज कभी भी नहीं होती। हाँ, कुछ लेज़र्स होते हैं जिनका डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम से मुराद ये है कि उस सेशन के बाद, उस लेज़र के सेशन के बाद या तो स्किन रेड हो जाती है कुछ देर के लिए, या फिर एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब आम जुबान में स्वेलिंग भी उसे कहते हैं। तो ये टेम्परेरी जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको अचीव करना होता है। कुछ लेज़र्स होते हैं, हेयर रिमूवल वगैरह में इस तरह कुछ भी नहीं होता। जिस तरह एक्ने स्कार्स हैं उनमें रेडनेस हो जाती है, या फिर अगर हम कोई वेस्क्यूलर लीजेंस को ट्रीट करेंगे तो उसमें स्वेलिंग होती है। जो नॉर्मल लेज़र प्रोसीजर्स हैं उनमें डाउन टाइम नहीं होता। और ये जो रेडनेस या स्वेलिंग है ये टेम्परेरी होती है, ये 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। तो किसी भी लेज़र से आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होती। ओके जी, तो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि हाउ परमानेंट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। जो हेयर रिमूवल लेज़र के बाद जो हेयर रिमूव होते हैं वो कितने परमानेंट होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि क्या आपके जो हेयर हैं वो डैमेज हो रहे हैं या फिर हेयर रूट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर तो डैमेज होंगे तो वो दोबारा आ जाते हैं हेयर, क्योंकि वो हेयर रूट्स इंटैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हेयर रूट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो फिर वहाँ से दोबारा हेयर नहीं आते। अब इस बात का कैसे पता चलेगा कि आपके जो हेयर हैं वो डैमेज हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगेन, जो मैंने पहले बात की है कि इट डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉन्ग पल्स एनडी है, एक लेज़र है, उसका जो एंड पॉइंट है हेयर रिमूवल के लिए वो पेरीफोलिकुलर एरिथीमा होता है, जो आपके हेयर हैं उनके इर्द गिर्द थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है या फिर हेयर जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये एंड पॉइंट है लॉन्ग पल्स एनडी है का। डिफरेंट जो लेज़र्स हैं उनके डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगेन, जो डिपेंड करता है वो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हेयर हैं वो या तो डैमेज हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर हेयर रिमूवल जो है वो परमानेंट होता है। ओके जी, तो ये थे वो क्वेश्चंस या मिसकॉन्सेप्शंस जो कि लेज़र्स के बारे में कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप समझें कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे लाजमी शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है लेज़र्स के बारे में या किसी भी और ट्रीटमेंट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछें, मैं उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।